ही गाँव है? नहीं यहाँ पर नहीं, हम देखने आए योगी मतलब जी कहाँ को। गाँव है आपका? गांव दुलापुर पोस्ट गाजीपुर थाना समरी जिला बक्सर। अच्छा चलिए, ये तो बताने में बहुत, लेकिन अब भाग क्यों रहे थे? अरे ये लोग मजाक उड़ा रहा है। चमघट लगाए हुए। अच्छा हम लोगों को भी तो, नहीं नहीं हम लोगों को भी तो वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को भी वहाँ पर तो सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का मीडिया। नाम मैं रोहित मिश्रा, कैमरामैन अभिलाष पाठक के साथ जेबीपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं अभी बिहार राज्य के बक्सर जिले के में आया हूं, और यहां पर हमारे देश के बड़े सूबे और देश के बड़े राज्य की उत्तर प्रदेश के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बक्सर जिले में उनका आगमन होने वाला है। और वहां के स्थानीय निवासियों से हम पूछना चाहते हैं कि इतने देश, मतलब देश के हमारे इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी का जो आगमन होने जा रहा है, उन लोगों की गांव में अगर आ रहे हैं अगर, तो उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? तो आइए हम किसी बुजुर्ग आदमी से जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में अगर, क्या नाम हुआ हमारा? अच्छा उन्हें बताइए। अच्छा किसी आप लोगों की कोई जानकारी नहीं है कि आपके गांव में मतलब मुख्यमंत्री आ रहे हैं? वो ये सब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जोगी जी आ रहे हैं। अच्छा जोगी जी आ रहे हैं, जोगी जी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश के, तो यही हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये आपका यही गांव है? हाँ ये छोटकरा घर है। हाँ तो आपको बताने में शर्मा क्यों रहे? नहीं शर्माना क्या है, मतलब वहाँ से पूछे तो बताए कि अगले जाइए नेक्स्ट, ऐसे ऐसे बता रहे थे, तो ऐसे शर्माना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। तो बताइए कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आ रहे हैं आपके गाँव में, उनका चरण आपके गाँव में पड़ रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोग खुशहाल है, आए तो खुशी की बात है, खुशी की बात है। हाँ हाँ तो ये जो हमारे कैबिनेट, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, तो उनके घर पे ही प्रतीक, जो उनके पिताजी का आज कुछ गुजर गए थे, तो उनके यहाँ पर मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों से, और मतलब दोस्तों हम लोगों से और जानकारी चाहते हैं कि उन लोगों को पता चला, और उन लोगों को पता चला आपको कि मतलब आने वाले हैं, कब पता चला? हम लोग का कल से पता चला है। कल से पता चला। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कब मतलब व्यवस्था कर गई? कल परसों से व्यवस्था। अच्छा परसों से या कल से? हाँ कल से। आपको मतलब कैसा लग रहा है प्रशासन की ओर से? प्रशासन एकदम बिल्कुल टाइट है जी। बिल्कुल टाइट है, हमको तो लग रहा है कि आदमी से ज्यादा प्रशासन ही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और किसी और से हम व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि आपके यहीं घर है चाचा? क्या नाम हुआ आपका? हम ना बता सकब। काहे ना बता, रुआ पढ़ो लिखल ना है ना रुआ पढ़। अच्छा बोले में असमर्थ बानी का? हम वैसा बातें ना रुआ से पूछम की रुआ जो बोले में असमर्थ बानी। का नाम है राउर? खाली नाम बताइए। करीमन राज भाना। अच्छा राज, तो ये रुआ नहीं बता सकत की मैंने ये राउर गाँव हो? चलिए ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ठीक, ऐसे ऐसे होते हैं कि मतलब कोई बोलने में कैमरा के सामने लटपटा जाते हैं, सोचते हैं कि क्या बोले क्या नहीं बोले। भैया आइए इधर आइए ना, भैया युवक है ना आप, नवयुवक है ना, आइए। अरे आप नौजवान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं लग रहे हैं, और अभी बोलने में शर्मा रहे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विवेक है। विवेक है, थोड़ा अच्छा से रहिए, मतलब आपको देश दुनिया देखने वाला है। क्या क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते हैं, कितने क्लास में? कंपटीशन लाइन में घुसे हैं। कंपटीशन लाइन में किस चीज़ का कंपटीशन करते हैं? एसएससी का तैयारी। अच्छा, एसएससी का, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। तब की अरे अगर आप इतना बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लोग मजाक बनाएंगे तब मजाक में रहिएगा? ना वो नहीं है। आपको मतलब योगी ने सबसे दूर रखते हैं? योगी जी को पहचानते हैं? हाँ, कौन है योगी जी? यूपी के सीएम है। योगी के सीएम है, कब बने थे? कब बने थे मैंने बताइए, कब बने? डेट उनका याद रखी हो? अरे डेट याद नहीं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं जी, आप युवक है ना, देश के बड़े मतलब राज्य के मुख्यमंत्री, कब बने थे ये नहीं पता है कि आपको कब बने थे, मतलब कब शपथ ग्रहण लिए थे? ये सब मतलब दूर रहिला भैया, हां ये सब दूर रहिला हम। तो देखिए हमारे देश के, अच्छा पॉलिटिक्स में ये देखिए, देश के युवा हैं और एसएससी की तैयारी करते हैं, और ये नहीं जानकारी है उनको कि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी कब शपथ लिए थे, कब उनका निर्वाचन हुआ था, कब उनका चुनाव हुआ था, अब इनका कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए हम फिर आगे चलते हैं, और प्रशासन की यहाँ इतनी व्यवस्था टाइट है, यहाँ पर इतना यहाँ प्रशासन इतनी टाइट, योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है, और जहाँ पर परिवहन मंत्री दया शंकर जी के साथ मतलब पिताजी के घर आए हुए हैं, मतलब उनके जो साथ कर्म में और श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, तो वहाँ के लोगों के जो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने को तक नहीं मिले, उनका झलक देखने को नहीं बोला, तो उन लोगों में आक्रोश है। आइए जो लोगों से आक्रोश है उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया जी नाम है। अच्छा कन्हैया जी आपका कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का रहने। अच्छा आप इसी गांव के रहने वाले हैं जी। क्या हुआ यहाँ पर आपको देखने का, मतलब देखने का आपको ब्रेकेटिंग द्वारा एकदम उधर रखा गया? नहीं यहाँ पर जो है मीडिया का जमकर ज्यादा है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ से देखने में असुविधा पैदा हो रही है। अच्छा आपको देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, आप लोग अपना जमघट तोड़िए,
ताकि हम लोग जो है अच्छा, हम लोग लोग जमघट लगाए हुए हैं। हम लोगों को भी नहीं, हम लोगों को भी तो वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को वहाँ पर तो सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का मीडिया वहाँ पर जा रहा है। अब बिहार का तो हम कहीं नहीं देख रहे, बिहार के लोगों को मतलब बिहार का कोई भी मीडिया देख रहे हैं, जितना भी तमाम मीडिया है वहाँ पर नहीं जाया गया है। एक दो आदमी होता तो हम लोग भी यहाँ से देख सकते थे, देख सकते थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। जमघट लगा हुआ मीडिया के इस वजह से मन में थोड़ा सा भी होगा ना कि हम योगी आदित्यनाथ जी को, हिंदू हृदय सम्राट आ रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। कैसा महसूस हो रहा है, मतलब बक्सर जिले में वो उनका आगमन हुआ है, बक्सर के पावन धरती महर्षि विश्वामित्र के पावन धरती पर योगी आदित्यनाथ जी का चरण पड़ा है। मैं तो चाहता हूँ कि पटना के सीएम वही बन जाए बिहार के, वो तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ के भी एक बार सीएम बन जाए आदित्य योगी नाथ जी का, एक बार और कमाल कर देते। यहाँ का सीएम वही बन जाए, हम लोग तो यही चाहते हैं। अच्छा, आप यूपी के रहने वाले हैं? जी हाँ, बलिया के रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं, तमाम कैमरामैन से बोलेंगे कि फोकस करें कि देखिए कि हुजूम जितना लगा है सिर्फ आदित्य योगीनाथ जी को देखने के लिए, लेकिन कहीं इन लोगों का कोई अपनी छोटी छोटी आंखों से नजर नहीं आया कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं, अभी अंदर ही है। लेकिन आई और लोगों से हम जानना चाहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अपू कुमार सोनी। थोड़ा जोर से बोलिए ना, क्या दिक्कत है कोई? अपू कुमार सोनी। अच्छा, अपू कुमार सोनी जी कहाँ से आए हुए आप? बलिया से। अच्छा, बलिया से आए, आप यूपी से हैं। किसको देखने के लिए आए हैं? जोगी जी को। जोगी जी को कब पता चला कि जोगी जी बक्सर में आने वाले हैं? हम लोगों को तो परसों से ही पता है। अच्छा, परसों से पता है। तो प्लान कब बनाए थे कि हम मतलब वहाँ पर कब मेरे को पहुँचना है? हम नेता खुद ही गाड़ी चलाते हैं भाई। अच्छा, नेता के कौन से नेता गाड़ी? पप्पू सिंह। अच्छा, पप्पू सिंह क्या है अभी? एमएलसी हैं। अच्छा, कहाँ के एमएलसी हैं? बलिया के। अच्छा, बलिया के एमएलसी हैं पप्पू सिंह। तो चलिए, आप यूपी के हैं, और चलिए अब हमारे जितने अभी कोई है बिहार का जो सी गाँव के है। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? विनीत कुमार दुबे मेरा नाम। अच्छा विनीत, कहाँ के रहने वाले? बड़का राजपुर के। अच्छा, बड़का राजपुर के हैं। तो आप यहाँ पर किसको देखने के लिए आए हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री यूपी और हिंदू सम्राट मानी योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आपको दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ जी? अब नहीं दिखाया गया, सुरक्षा के दृष्टि से प्रशासन जो है तो बोल रहे हैं कि एकदम प्रशासन ब्रिकेटिंग लगा दिया गया पूरा। हाँ, तो व्यवस्था तो लगेगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े सूबे के बड़े मुख्यमंत्री हैं। बट हमारा आग्रह होगा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर ऐसे ही चले जाए, हाँ मतलब हम पैदल ही चले जाए तो अच्छा रहता। ऐसा संभव हो सकता है? मतलब लग रहा है कि संभव है कि वो आप ऐसे पैदल चले जाएंगे? हम लोग आग्रह करेंगे, हम लोग संभव कहाँ से, हम लोग के बस की बात है क्या? हम लोग रिक्वेस्ट ही ना कर सकते हैं, किसी से आग्रह ही से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की हम खड़े हैं और देख रहे हैं कि मीडिया वाले आगे बैठ खड़े हैं, हम पीछे से कुछ दिखाई नहीं। हमको तो नहीं लग रहा है कि मीडिया वाले भी आगे खड़े हैं, वहाँ पर भी पुलिस ब्रैकेटिंग लगा दिए मीडिया वाले। देखिए, सुरक्षा दृष्टि है, मान्या उनको मीडिया को तो स्वतंत्रता प्राप्त है ना जी? बिल्कुल स्वतंत्र है ना, वो बिल्कुल आ सकता है।